हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। आज एक बार फिर आपको अपने चैनल पर वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मेरी वीडियोस को पसंद कर रहे होंगे और लाइक और शेयर भी ज़रूर कर रहे होंगे। सो इसी उम्मीद के साथ आज एक और नई वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो आप इस वक्त देख रहे होंगे मेरे हेयर बहुत इस टाइम मज़े के लग रहे हैं, मुझे तो मज़े के लग रहे हैं, पता नहीं आपको कैसे लग रहे हैं। तो आज एक बार फिर शैम्पूज़ के टॉपिक पर आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ शैम्पू के टॉपिक पर आपके लिए। तो इग्नोर मेरी थोड़ी सी शरारतें, वीडियो के टॉपिक पर आप ज़्यादा गौर करें। तो आज एक बार फिर आपके लिए अगेन शैम्पू की वीडियो लेकर आई हूँ कि आप अपने बालों को किस तरह से अच्छा खासा अच्छा बना सकते हैं। तो मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा है इस शैम्पू के साथ आपको मैं बताती हूँ। तो वीडियो के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो आज से तकरीबन तीन माह पहले मैंने वाटिका के इन शैम्पूज़ को यूज़ करना स्टार्ट किया था। तो देख सकते हैं आप, ये मेरी दो बॉटल्स हैं जो मैंने पूरी ख़त्म की है और ये मैंने आधी ख़त्म की है। इसको मैं छोड़ चुकी हूँ क्योंकि अब मैं डव का शैम्पू और कंडीशनर यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि नेक्स्ट मैं उसका रिव्यू आपके साथ लेकर आऊँगी बहुत जल्द। पहले मैं उसको अच्छी तरह से यूज़ करूँगी फिर। तो वीडियो के जो आज का मेन हमारा गेस्ट है उसके बारे में बात करते हैं, वाटिका का ये शैम्पू। तो फर्स्ट मैंने ये 2 माह पहले वाटिका का ये वाला शैम्पू इस्तेमाल करना शुरू किया था, जो कि आलमंड और हनी का है। तो पैकेजिंग देख सकते हैं आप, इसकी सिंपल सी इस तरह की है। खुशबू इसकी बिल्कुल भी हार्श नहीं है, बहुत ही मज़े की माइल्ड सी खुशबू है इसकी। तो इस शैम्पू के साथ मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है, इससे आपके बाल हेल्दी और स्ट्रेट हो जाते हैं। तो ये वाला जो शैम्पू है मुझे बहुत अच्छा लगा। इसको मैंने CSD स्टोर से 190 रुपीज़ का लिया है, बहुत ही कम प्राइस का ये शैम्पू है। और दूसरा अगर बात करें, ये जो मेन इसके इंग्रेडिएंट हैं ऑर्गन मोरक्कन, देख सकते हैं, या इसके साथ मेरा एक्सपीरियंस कोई खास अच्छा नहीं रहा है। तो आपको जल्दी जल्दी इसलिए इनके यूजेस और सब कुछ बता रही हूँ क्योंकि मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं कर सकती, ताकि आराम से आप मेरी वीडियो को इंजॉय करें। तो इस वाले शैम्पू के साथ मेरा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। जैसे कि मैंने बताया है कि बाल आपके स्ट्रेट और थिक हो जाते हैं, कोई इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है। मेरे बालों में डैंड्रफ बहुत ज़्यादा है लेकिन उस पर इसने कोई ख़ास असर नहीं किया। लेकिन ये जो सेकंड वाला शैम्पू है इसके साथ मेरा एक्सपीरियंस कुछ ख़ास अच्छा नहीं रहा है। इसकी खुशबू भी मुझे इतनी पसंद नहीं आई, इसीलिए अभी ये मेरी हाफ से ज़्यादा बोतल पड़ी है जो मैंने स्किप कर दी है, क्योंकि मुझे हेयर फॉल का भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था, शायद वो इस शैम्पू की वजह से है, आई डोंट नो वाई। अब डव के साथ देखते हैं मेरे ये मसला है या नहीं। तो ये 2 वाटिका के शैम्पू हैं जो मैंने यूज़ किए हैं। इसको मैंने 2 माह पहले यूज़ किया है और इसको अभी रिसेंटली ही मैंने यूज़ करना छोड़ दिया है। तो ये वाला शैम्पू मुझे कुछ ख़ास अच्छा नहीं लगा, जबकि ये वाला शैम्पू बहुत मज़े का है। तो प्राइजेज़ भी 190 रुपीज़ हैं इसके। आम CSD स्टोर से मैंने इसको लिया है, आप भी इसको लोकल मार्केट से कहीं से भी ले सकते हैं, जगह जगह दुकानों पर ये बिक रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो आज की मेरी वीडियो यहाँ तक ही थी। मेक श्योर कि आपने इसको लाइक ज़रूर करना है और मेरे चैनल को भी आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है, और नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए और मुझे तब तक इजाज़त दीजिए। बाय।